हिमाचल प्रदेश की इस भूमि ने देश की रक्षा करने वाले अनेक शूरवीरों को जन्म दिया। देश के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म इसी प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था। भारत को आजादी प्राप्त हुए कुछ सप्ताह ही हुए थे जब हमारी आजादी की रक्षा करते हुए वे मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में शहीद हो गए थे। इस तरह वे देश के लिए मर मिटने वाले हिमाचल प्रदेश के बहादुरों की उस महान परंपरा से जुड़ गए जिसमें उनसे लगभग 100 साल पहले शहीद होने वाले राम सिंह पठानिया का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। शहीद राम सिंह पठानिया ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जब पठानिया वीर गति को प्राप्त हुए उस समय उनकी उम्र भी केवल 24 वर्ष की थी। कारगिल युद्ध के शहीद मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया। हिमाचल प्रदेश में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर शहीदों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। उनके सम्मान में उद्यानों, सड़कों और चौराहों का नामकरण होता है। ये हिमाचल प्रदेश के निवासियों के हृदय में उन वीरों के प्रति असीम सम्मान को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेना को सेवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 1,10,000 से भी अधिक है और इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहना अधिक उपयुक्त है।